कोरोना वायरस के कारण काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमें बहुत सारे पॉलिसीज को हम लोगों ने चेंज किया है। इस चेंज करने के दौरान में एक और नई चेंज सामने निकल के आ रही है, जहां पर गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है कि जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंतर्गत जो भी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था उसको अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें कही गई हैं। तो हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, क्यों डीक्रिमिनलाइज किया गया है और इसके क्या रिपरकशन सामने देखने को आ सकते हैं। तो काफी कुछ देखेंगे, स्टार्ट करते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना काफी जरूरी है कि आखिर में ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये क्या चीज होती है, इसका कुछ बैकग्राउंड हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इसके डिटेल के बारे में, इसमें आखिर में क्या डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, जब भी किसी स्टार्टअप या किसी फर्म को काम करना होता है तो उसे पहले रजिस्टर कराना होता है। रजिस्टर कराने के लिए एक ऑप्शन होता है कि आप प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर कर दें, लेकिन इसके अलावा अगर आप सिंगल एंटिटी नहीं है, अगर आप मल्टीपल एंटिटी है, कई लोग हैं काम करने वाले, तो फिर वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए शुरुआती दिनों में केवल दो ऑप्शन हुआ करते थे। एक ऑप्शन हुआ करता था पार्टनरशिप फर्म के रूप में और दूसरा हुआ करता था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। यहां पर एक एग्रीमेंट साइन होती है और एग्रीमेंट के बाद फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक टैग मिल जाता है। लेकिन इसके बाद से कई सारे और चेंजेस किए गए और चेंज करने के दौरान में हमारे पास अब तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक नया एग्रीमेंट, नया एक्ट ला दिया गया, जिसके बाद हमारे पास बेसिकली तीन तरीके की चीजें हो गई। इसको मैंने एक कैटेगराइज कर दिया ताकि आपको एक समझने में और इसको डिफरेंस करने में आसानी हो जाए। यहां पर हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है पार्टनरशिप, दूसरी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और फिर लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड। ये तीनों ही डिफरेंट टाइप के होते हैं, तीनों में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती है और कुछ ना कुछ गड़बड़ बातें होती है। इन सबके बारे में अगर वन बाई वन करके डिस्कस करें तो सबसे पहले फंक्शन वाइज देख लेते हैं कि आखिर में क्या है। तो फंक्शन वाइज अगर बात करें तो लायबिलिटी के रूप में अगर बात करें तो पार्टनरशिप में पर्सनल असेट्स लायबिलिटी बन जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए दो पार्टनर या तीन पार्टनर आपस में मिलकर के पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के दौरान में जो भी इनपुट्स ये लगा रहे हैं और जो भी पर्सनल असेट्स लगा रहे हैं वो सारा लायबिलिटी के फॉर्म में जमा हो जाता है। यानी कि अगर कल को ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या कोई डिफॉल्ट करती है तो कंपनी के जो पार्टनर्स हैं वो कंपनी के असेट्स तो बिकेंगे ही बिकेंगे, साथ ही साथ उनके पर्सनल असेट्स भी बिकेंगे। और यही रीजन है कि पार्टनरशिप फर्म को केवल या तो ब्लड रिलेशन में या बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोगों में ही केवल साइन किया जाता है, क्योंकि बाहर के लोग अगर रहेंगे तो एक प्रॉब्लम सामने निकल के आ सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा ऑप्शन लेकर के आया गया 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में, जहां पर लायबिलिटी अब लिमिटेड कर दी गई। इसका मतलब है कि अगर अब पर्सनल असेट्स जो रहेंगे वो पूरी तरीके से शेयरेबल नहीं रहेंगे, पूरी तरीके से ये सेल नहीं किया जा सकता है। यहां पर अब केवल और केवल वो असेट्स जो कंपनी में लगाए गए हैं या एट द पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट जब साइन किया गया था उस दौरान में जो भी असेट्स लिखे गए थे केवल उन्हीं की ही सेलिंग होगी, इन केस अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो। प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड में बहुत ही लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यहां पर पर्सनल असेट्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता है। जैसे रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि विजय माल्या का केस है, कंपनी बैंकरप्ट हो गई है लेकिन विजय माल्या की अपनी पर्सनल असेट्स भी है और उन पर्सनल असेट्स को टच नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से लायबिलिटी और ज्वाइंट लायबिलिटी के रूप में आपको समझ में आ गया होगा तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर कंप्लायंसेस के रूप में बात करें, कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि टैक्स फाइलिंग, जैसे जीएसटी हो गई या फिर जो भी ट्रांजैक्शन टैक्सेस होते हैं या फिर ऑडिटिंग होती है, ये किस तरीके से वैरी करती है। तो पार्टनरशिप में ये काफी लीस्ट होती है, मतलब ऑडिट कराना ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है, फर्म खुद की ऑडिट कराती है। लेकिन वही लिमिटेड लायबिलिटी और प्राइवेट में ये लिमिटेड और हाई कंप्लायंसेस रहते हैं। लिमिटेड का मतलब मीडियम का मतलब, लिमिटेड लायबिलिटी में मीडियम का मतलब ये हो जाता है कि इनको करानी तो होती है बट ये करा करके, मतलब जो भी ऑडिट कराना है वो करा के जमा कर सकते हैं, लेकिन
अगर प्राइवेट फर्म है तो भले ही आपको घाटा हुआ हो, फायदा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, आपको ऑडिट करानी ही पड़ेगी और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट ही करनी पड़ती है। तो इसलिए काफी हाई कंप्लायंसेस लगाए जाते हैं। इसके पीछे रीजन यह है कि पार्टनरशिप फर्म में जो मेंबरशिप रहती है दो या दो से अधिक कितनी भी हो सकती है, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी में दो या दो से अधिक लिमिटेड अनलिमिटेड होती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में ये लिमिटेशंस होती हैं कि कितने मेंबर रहेंगे, कितने डायरेक्टर रहेंगे, कौन बोर्ड ऑफ गवर्नर पे रहेगा, तो पहले से ही डिफाइंड रहता है। यहाँ पर मेंबरशिप एक्सटेंड नहीं हो पाती है। गवर्निंग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप में डीड साइन होती है, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी में एक एग्रीमेंट होती है। अब प्राइवेट लिमिटेड में तो हमारे पास तीन तरीके के एग्रीमेंट साइन होते हैं। एक होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट होती है, जहां पर एग्रीमेंट साइन किया जा रहा होता है आपस में लोगों के द्वारा। दूसरी होती है एग्रीमेंट ऑन असेट्स, जो भी असेट्स जो बंदा लगा रहा है उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन होती है। और लास्टली एक और चीज होती है जो शेयर होल्डिंग होती है, कंपनी में किसकी शेयर होल्डिंग कितनी रहेगी, इसके लिए अलग से एक शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अलग अलग तरीके के रजिस्ट्रेशन पे अलग अलग तरीके से साइन होती है। अगर ओनरशिप और मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप में जो बंदा होता है वही बंदा ओनर और मैनेजमेंट दोनों ही संभाल सकता है, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी में भी सेम होते हैं और प्राइवेट लिमिटेड में खैर डिफरेंट होते हैं। ओनरशिप जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट हो। कई सारी कंपनीज है, टाटा के बारे में देख सकते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनी है जहां पर ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट लोगों के अलग अलग होते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स के बारे में आप लोगों ने जानकारी कर ली। अब जरा देख लेते हैं इशू आखिर में क्या हुआ है। इशू ये हुआ है कि लिमिटेड लायबिलिटी के दौरान में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, वो सबमिट न कर पाने के कारण काफी ज्यादा लोगों के ऊपर पेनाल्टी लगा दी गई थी। 4-4 लाख, 5-5 लाख इस तरीके से पेनाल्टी लगा दी गई थी। साथ ही साथ जो एग्रीमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई थी, जिनके लिए केसेस फाइल किए गए थे, अगेन उनमें क्रिमिनलाइजेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा था। इस क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए और बिजनेस को और ज्यादा फ्रेंडली बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया सुझाव दिया है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने लोगों से, एक्सपर्ट से सुझाव मांगा है कि आप मुझे बताइए कि ये डीक्रिमिनलाइजेशन करने के बाद हमें क्या फायदा होगा। तो फिर चलते हैं पहले जरा गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की डेटा जो 19 जून को निकाली गई है। देख सकते हैं आप, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2018 फॉर ग्रेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर लॉ अबाइडिंग LLP एंड डीक्लॉगिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने लोगों से अभी मांगा है, एक इनपुट मांगा है कि क्या डीक्रिमिनलाइजेशन कर देना चाहिए, क्या होगा इसका रिपरकशन। तो लो यहां पर सरकार ने बताया भी है कि कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर पनिशेबल विद फाइन इन सम केसेस और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन इन मल्टीपल केसेस। और बाकी छोटे मोटे जो भी चीजें होंगी उसको लेकर के हम लोग जो कंप्लायंसेस है उनको चेंज करके डीक्रिमिनलाइज किया जा सकता है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है जिसको कि आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट से देख सकते हैं, जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें कि इस डीक्रिमिनलाइजेशन को करने पे क्या बेनिफिट्स हमें सामने देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहला तो इंस्टेंट रिलीफ देखने को मिलेगा जो कोरोना के कारण से आया है। इनफैक्ट इस कोरोना के कारण से गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले अप्रैल में भी एक फ्रेश स्कीम लेके आई थी जिसका नाम था कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 एंड रिवाइज्ड LLP सेटलमेंट स्कीम 2020। और इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने जो भी मेंबर है या जो भी एंटरप्रेन्योर है उनको थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश की थी। यहां पर ये रख दिया गया था कि पर डे केवल और केवल 10 रुपए का ही पेनाल्टी लगेगा, मैक्सिमम 5,000 की पेनाल्टी लग सकती है, बजाय की 4-5 लाख रुपीज। इसके अलावा इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इससे एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और बिजनेस इस तरीके से करेंगे, नए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होंगे, जिससे कि लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा एक फील रहेगा, एक ट्रस्ट रहेगा कि गवर्नमेंट अब हमारे खिलाफ कोई पेनाल्टी नहीं चार्ज करेगी, और पेनाल्टी रहेगी भी तो इट विल बी वेरी लिमिटेड। इसके अलावा पेंडेंसी ऑफ द केसेस इन द कोर्ट भी काफी ज्यादा घट जाएंगे, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो अब कोर्ट में पहुंचेंगे, उसकी हियरिंग होगी, उसके फिर नतीजे निकल के आएंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी हमारी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा अब ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे और अल्टीमेटली इंडिया की इकॉनमी 5 ट्रिलियन इकॉनमी जो हम लोगों ने एक सपना देखा है
वो कंप्लीट हो सकेगा। तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।